The first defeat. तुम मजाक कर रही हो, आज हमें खाने में बस यही मिलने वाला है? हाँ यही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और है ही नहीं। क्या, ये क्या मजाक है? अगर हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो हम आगे का सफर कैसे कर पाएंगे? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, शहर जाकर हम खाने पीने की और चीजें ले लेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। कम ऑन शो, कुछ बोलो भी, तुम कहाँ खो गए हो? कम ऑन, तुम्हें क्या हो गया है? ये बताओ हम क्या करेंगे, कुछ सोच रहा है? इन छोटी छोटी बातों पर अपना खून क्यों जला रहे हो? अगर कुछ नहीं मिला तो घास कीड़े मकोड़े या जो मिला वो खा लेंगे। ये क्या बोल रहा है, कहीं ये पागल हो गया है या इसे कुछ समझ नहीं आ रहा? ये कैसी जगह है, मुझे अभी तक कहीं कोई दुकान या सुपरमार्केट नहीं दिखा। अजीब बात है, मुझे तो ये जंगल में बसा एक शहर लगता है। हाँ, मगर यहाँ घोड़ों की बजाय MTB चलाते हैं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सब MTB राइडर्स ही हैं? मुझे बस इतना मालूम है कि एक जोन बड़ी अजीब सी जगह है। इससे मुझे याद आया, किसी ने देखा है कि वो मास्क वाला कहाँ गायब हो गया? अरे हाँ, वो आदमी, उसे तो मैं भूल ही गया था। MTV राइडर। वो जिस तरह से चलता है और बोलता है, उसे लगता है कि कहीं वो मेरा भाई तो नहीं है? उसे भूल जाओ। हाँ? हम अभी वो बात करते हैं जो ज्यादा जरूरी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलो कुछ खा लें। हाँ, उन्हें देख रहे हो? देखकर लग रहा है कि वो लोग कुछ खा पी रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एक रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, जहाँ पीने को कुछ मिल रहा है वहाँ खाने को भी जरूर मिलेगा। सही कहा ना ककेरू? हाँ, मगर मुझे वो जगह खतरनाक लग रही है। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। इतना डर क्यों रहे हो? वेटर, मेरे ऑर्डर का क्या हुआ? याद आया, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है? ओह कम ऑन, इसमें इतना डरने की क्या बात है? ये देखो जरा, मैंने इतने सारे एम्बलम जमा किए हैं, कमाल के है ना? कम ऑन, मुझे नहीं लगता कि हमें कभी कोई गोल्ड एम्बलम मिलेगा। मिलेगा क्या? एक सिटी में कई लोग हैं जो उन्हें पा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आप हमें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? वो कट मैं दे दूं क्या? तुम्हारे मम्मी पापा अभी कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं है, हम अकेले हैं। ओ अच्छा, मगर तुम तीनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सुनो, तुम लोग ये क्या कह रहे हो, तुम तीनों भी अपनी दुनिया से एक्स जोन के अंदर लाए गए हो? हाँ सही कहा, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था दादाजी। तो तुम मुझे दादाजी कह रहे हो? क्या तुम्हें हम लोगों से डर नहीं लग रहा? आप लोगों से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि अच्छे लोग ही MTB चलाते हैं। ऐसा मेरे डैड कहा करते थे। अरे वाह, ये तो बच्चा कमाल की बातें करता है। हाँ, सही कह रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये बच्चा सही कह रहा है, तुम्हारे डैड ने बिल्कुल सही कहा था। अरे वेटर, जरा सुनो, इन बच्चों को जो चाहिए वो खिलाओ इन्हें, सब कुछ मेरी तरफ से। अच्छा ये बताओ, तुम तीनों यहाँ अकेले आए हो? मैं यहाँ 1 साल से हूँ, वक्त बहुत धीरे गुजरता है। मुझे भी यहाँ 6 महीने हो चुके हैं और मेरे पास 10 सिल्वर एम्बलम्स भी हैं, मगर अभी यहाँ से निकलने में वक्त है। आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने तो सुना है कि अगर 10 एम्बलम्स मिल गए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, लेकिन सिल्वर एम्बलम से बात नहीं बनती, यहाँ जाने का एक ही तरीका है, 10 गोल्ड एम्बलम्स जमा करना। एक्सोन में 2 तरह के एम्बलम्स है, सिल्वर एम्बलम कोई काम का नहीं। हाँ, गोल्ड एम्बलम्स बहुत जरूरी हैं। अगर तुम सचमुच यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें 10 गोल्ड एम्बलम्स जमा करने ही होंगे। सच तो ये है कि 10 सिल्वर एम्बलम्स 1 गोल्ड एम्बलम के बराबर होते हैं। अगर यहाँ से घर वापस जाना है तो यही एक तरीका है। अच्छा, सुनो बच्चे, रेस करना चाहोगे? वो रेस एम्बलम के लिए होगी, क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो इजाइटन बैटल के लिए? ये है शिन द शैडो। तुम अभी तक इस शहर में ही हो? मुझे ये शहर पसंद है, यहाँ मैं आसानी से रेस जीत जाता हूँ। क्या कहते हो, हम रेस करें? तुम भी रेस करना चाहते हो ना? अगर तुम रेस नहीं करोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेंगे। रेस मत करना बच्चे, ये बड़ा उस्ताद रेसर है, तुम इससे रेस में कभी नहीं जीत पाओगे। क्या बकवास कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो और इस बच्चे को बोलने दो, क्यों है ना? सचमुच रेस करोगे? हाँ, तुम क्या कहते हो, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हें 1 गोल्ड एम्बलम मिलेगा?
गोल्ड एम्ब्लेम करूंगा। मगर शो, पर ये तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा रेसर है। बिल्कुल सही, तुम उसे मना कर दो। मना कर दूं? मैं तो इसी वजह से रेस करना चाहता हूँ। अपने से अच्छे रेसर से रेस करने का मजा ही कुछ अलग होता है। मैं ये नहीं मानती। योके, ये फिर से टांग अड़ाने आ गई। ये रेस का इतना बड़ा खिलाड़ी है कि तुम्हें आसानी से हरा देगा। ये यहाँ के सारे एमटीबी राइडर को हरा चुका है। अगर तुम हारना नहीं चाहते तो अच्छा होगा कि इससे रेस करो ही नहीं। इस पागल लड़की की बातों पर ध्यान मत दो। अगर ये बच्चा मेरे साथ रेस कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर तुम रेस करना ही चाहते हो तो किसी और के साथ करो ना। एक बच्चे से एम्ब्लेम छीनना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है शिंदा शाडो? अगर तुम ऐसा ही करते रहे ना तो मैं तुम्हारी बाइक ठीक करना बंद कर दूंगी। अब तुम्हें क्या कहना है? चलो मान लिया, वैसे एक अच्छे मैकेनिक से पंगा लेना अकलमंदी की बात तो नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे पूछ रही हूँ। किससे? मुझसे? मेरा नाम है शो यमाटो। तुम मजाक कर रही हो, यहाँ एक जोन में स्पेयर बाइक पार्ट्स का इस्तेमाल पैसों की जगह होता है। हाँ सही कहा, हर पार्ट की कीमत बाइक में उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से लगाई जाती है। यहाँ तुम एम्ब्लेम्स का इस्तेमाल भी पैसे की तरह कर सकते हो। क्या आप भी अपनी दुनिया से हमारी तरह ही एक जोन में आई है मिस यूकी? बताइए ना। हाँ मगर मेरी कहानी थोड़ी अलग है। मुझे बाइक की मरम्मत करना ज्यादा पसंद है, रेस करना नहीं, इसलिए मैं एक मैकेनिक बन गई। अब ये सही है, हमारे पास खाने के लिए अब बहुत सारी चीजें हैं। हम आपके लिए चिकन और मछलियाँ लाए हैं, अगर हम इन्हें नमक लगा कर रखे तो ये कई दिनों तक बची रहेंगी। आप क्या देख रही हैं मिस यूकी? ये बाइक, यकीन नहीं हो रहा, ये तुम्हारी है? हाँ मेरे डैड ने मेरे लिए बनवाई है। इसका नाम है फ्लेम काइजर। फ्लेम काइजर? तुम कुछ जानते हो शो? तुम्हारे पास तो एक इडाटन बाइक है। क्या एक इडाटन बाइक? एक इडाटन बाइक? हाँ मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये वाकई कमाल की है। ये तो वही लेजेंडरी इडाटन बाइक है जिसके बारे में मैंने सुना है। ये कौन सा लेजेंड है? लेजेंड की बात छोड़िए, ये बताइए इडाटन बाइक क्या है? तुम इसे देखो। हुँ? ये मेरे जैसे मैकेनिक्स के लिए एक्स जोन में एक हैंडबुक है, एमटीबी इंसाइक्लोपीडिया है। और ये देखो। अरे वाह, इसके ऊपर भी फ्लेम काइजर का एम्ब्लेम है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। पहले इसे देखते हैं। एक इडाटन बाइक बड़ी ही मिस्टीरियस और लेजेंडरी बाइक है, मगर इसके ओनर्स नहीं जानते कि इनके पास एक इडाटन बाइक है। बाइक पर प्लैटिनम एम्ब्लम्स बने होते हैं, वो गोल्ड एम्ब्लम से 3 गुना ज्यादा कीमती होते हैं। 3 गुना ज्यादा कीमती? लेजेंड्स कहते हैं कि इडाटन बाइक दुनिया को बचाएगी। बस इतना ही है, इस पे बस इतना ही लिखा है। शो की बाइक दुनिया बचाएगी? फ्लेम काइजर सीरियसली? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? फ्लेम काइजर तो बस एक बाइक है, मेरे डैड ने ये बाइक मेरे लिए बनाई थी। ये कहना ही अजीब लगता है कि ये दुनिया बचाएगी, है ना मिस यूकी? ये बेवकूफी है। नहीं, तुम्हारी बाइक कोई ऑर्डिनरी बाइक नहीं है। प्लैटिनम एम्ब्लम। सुनो, मैं जा रही हूँ अपने कॉन्टेक्ट से इडाटन बाइक के बारे में पता लगाने। और हाँ, मेरे आने तक तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना। नो प्रॉब्लम, मदद के लिए थैंक्स मिस यूकी। जैसे ही इसके बारे में कुछ पता लगेगा मैं आऊंगी, मगर तुम लोग तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बाइक दुनिया को बचाने वाली है? रियली? हाँ मगर ये लेजेंड की बात है। सही कह रहे हो, ये सच नहीं हो सकता। तुम भी दावे से ये नहीं कह सकते। नहीं बच्चों, ये बात सही है। हा? इस बाइक की मदद से तुम उस दुनिया में वापस जा सकते हो जहाँ से आए हो। हे, तुम फिर से आ गए? हाँ, मैं तुम लोगों से मिलने आया हूँ। हेलो, मेरा नाम है शिन द शैडो। मुझे शहर में सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सॉरी अगर मैंने कोई बदतमीजी की हो। हम सच में इस बाइक की मदद से अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं? मगर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने हर तरह के एमटीबी रेसर्स के साथ रेस की है और दोस्तों मेरे पास काफी एक्सपीरियंस भी है। जानना चाहोगे अपने घर वापस कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बिल्कुल बताओ ना हमें प्लीज। बता दूंगा, मगर तुम्हें पहले मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ इडाटन बैटल करोगे। क्या मतलब? तुम्हारी बाइक सचमुच इडाटन बाइक है या नहीं ये जानने के लिए मुझे इसकी पावर को आजमाना होगा।
अगर तुमने मुझे रेस में हरा दिया तो मैं तुम्हें हर बात बता दूंगा, वादा करता हूँ। चलो किया वादा, आओ हम अभी रेस। पागल हो क्या? मिस यूकी ने हमें कुछ भी करने से मना किया है, तुम भूल गए क्या? लेकिन अगर मैंने इसे हरा दिया तो हम अपने घर लौट जाएंगे, कहीं तुम लोगों ने घर लौटने का इरादा बदल तो नहीं दिया ना? नहीं बिल्कुल नहीं। डरने की कोई बात नहीं है, याद रखना जीत मेरी ही होगी, इसे मैं आसानी से हरा दूंगा। तो चलो फिर रेस की जाए। चलो शो। देखो ये है रूट, हम उस पुल को पार करेंगे, फिर जंगल से होते हुए उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, फिर स्लोप पर उतरेंगे, वो टूटा हुआ जहाज फिनिशिंग लाइन है। उस बिल्डिंग के अंदर भी जंगल है? ये रेस इतनी भी आसान नहीं है। मेरा अंदाजा है कि तुम्हें रास्ते में ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स पार करने होंगे, इस रेस के दौरान तुम्हारी स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी, इसलिए मैंने बाइक में कई और गियर लगा दिए हैं। तुम रेस करने से पहले एक बार उस रास्ते को नहीं देखना चाहते हो? डोंट वरी, मैं रेस पूरी कर लूंगा और ये रेस मैं जीतूंगा भी। पता है मुझे तो अभी से डर लग रहा है। Dash, set, let's go! तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर! जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन, गो! काफी तेज है। ये क्या? पुल तो बीच से काफी टूटा हुआ है। ये देखो, अब तुम इसे पार करके दिखाओ तो जानू। मैं इन सबसे नहीं डरता। क्या जंप है! पार कर गया। बहुत अच्छा था। एक बात और भी है, उस बिल्डिंग के अंदर मुझे उससे आगे निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना? उससे आगे निकल गया, वो बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। परफेक्ट, वो मुझसे काफी पीछे है, अब तो मेरी जीत पक्की है। अभी से खुश मत हो, जल्द ही तुम रोने वाले हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ शिंदर शैडो की असली ताकत। तैयार हो जाओ बच्चे। लगता है उसे पीछे छोड़ दिया। हाँ? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, इस धूल में तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। भूल जाओ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, कभी नहीं दोस्त। तो फिर मेरे बराबर आकर दिखाओ। मुझे इससे आगे निकलना ही पड़ेगा, इसे हराना बहुत जरूरी है। ये क्या हो रहा है? मैं हैंडल को सीधा नहीं रख पा रहा हूँ। ओह नो, बाइक के टायर बेलों में फंस रहे हैं। ये क्या, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। ये तो आसान काम था। शो! मैं अपनी मर्जी से एक शैडो की तरह गायब भी हो सकता हूँ, तभी तो मेरा ये नाम पड़ा है, यू नो, शिंदर शैडो। तुम ठीक तो हो ना शो? हम आ रहे हैं। तुम ये रेस हार चुके हो, ये एम्ब्लम अब मेरा है। फ्लेम काइजर के ब्रेक टूट चुके हैं, अगर इन्हें ठीक नहीं करवाया तो जिंदगी भर रेस नहीं कर पाओगे। तुम मुझे सिर्फ फ्लेम काइजर का राज बता दो, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तुम जीत चुके हो, मैं हार चुका हूँ, प्लीज। ओह, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ? मैंने तो बस इसलिए कहा था कि तुम मेरे साथ रेस करो। तुमसे तुम्हारा एम्ब्लम लेना तो बच्चे के हाथ से ट्रॉफी लेने से भी आसान था। तुमने झूठ बोला था। बहुत बुरा किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यू नो। किसी को भी कभी भी इडाटन बैटल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सही कह रहा है। तुमने इडाटन बैटल को सीरियसली नहीं लिया था। ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने ओपोनेंट के बारे में जानो और कोर्स को देखो, जो तुमने नहीं किया। तुम ये रेस उसी वक्त हार चुके थे जब रेस शुरू भी नहीं हुई। अगर तुमने मैकेनिक की बात मान ली होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती।
जो ईडा 10 बैटल को सीरियसली नहीं लेते उन्हें एमटीबी की सवारी करने का कोई हक नहीं। याद रखना मोकोटो, जो ईडा 10 बैटल को सीरियसली नहीं लेते उन्हें एमटीबी की सवारी करने का कोई हक नहीं। हाँ याद रखूंगी भाई, मेरे भाई ने एक बार यही कहा था। डैश सेट लेट्स गो। तो तुम हो शिन द शैडो, हाँ? अब मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। ओह, तो तुम इस बेवकूफ का एम्बलम वापस लेना चाहते हो? तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं? हम आपके ही सहारे हैं, आपको जीतना ही होगा। आपको अपना एम्बलम वापस पाने के लिए शो की मदद करनी होगी। तुम गलत सोच रहे हो, मैं अपने लिए रेस कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। पुल का सुराग बड़ा हो गया है। तुम देख रहे हो शो, ये जंप तुम्हारे जंप से ज्यादा मुश्किल हो गई थी, मगर उसने बड़ी आसानी से पार कर दिया। वो है कौन? मैंने देख लिया है, अब देखना है कि वो और क्या करते हैं। शो, इसी जगह पर वो मुझसे अचानक ही आगे निकल गया था। ये क्या है? अरे वो देखो, अभी क्या हुआ था? उसने फिर से वही किया। तुम्हें हैरानी हो रही है, तुम भी उसकी तरह मेरे जाल में फंस गए। ध्यान से, टायर उन बेलों में फंस जाते हैं और तब बाइक को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बनी हॉप, उसने उसे बनी हॉप से पार कर लिया। क्या बात है, उन्होंने इतनी तेज स्पीड पर वो टर्न कैसे कर लिया? वो टहनियों पर पहुंच गए हैं, उसके आगे निकल गए। क्या बात है, इतने पतले से टर्न पे उन्होंने ऐसा कैसे किया? इतना ही नहीं, वो अपनी कमर और सिर के बीच एक बराबर दूरी बनाए हुए हैं। वो बार बार गियर बदलकर स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने ब्रेक को हाथ भी नहीं लगाया है। ये तो कमाल के राइडर हैं। जरा देखो शिन द शैडो उनसे कितना पीछे है। मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। हाँ ये क्या हुआ, वो कहाँ चला गया? ऐसे गायब? वो उनके आगे कैसे चला गया? कुछ तो गड़बड़ है। ओह, तो ये है उसकी चाल। Hey, वो वापस क्यों जा रहे हैं? वो ये कर क्या रहे हैं? अरे नहीं, अरे ये तो एक दूसरी बाइक है, ये चीटिंग कर रहा था। तो तुम बार बार राइडर बदल देते थे जिससे तुम्हारे ओपोनेंट को लगता था कि तुम मुझसे आगे निकल गए हो। ये सरासर चीटिंग है। ईडा 10 बैटल का एक नियम यह भी है कि तुम रेस के दौरान राइडर नहीं बदल सकते। तुमने नियम तोड़ा, इसलिए तुम हार गए। प्लीज ये बात किसी से मत कहना, मेरा ये राज किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चल गया तो मेरे साथ कोई रेस नहीं करेगा। क्या कहते हो शो? इस बार इसे माफ कर देते हैं, लेकिन पहले तुम वादा करो कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। अगर वादा तोड़ा तो तुम्हारा खेल खत्म। मैं पक्का वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना वादा याद रखना। बड़ा ही बेवकूफ इंसान है। मैंने उनसे उनके एम्बलम्स भी ले लिए हैं। ये लो, ये तुम्हारा है। वाओ, वाओ, थैंक्स। हाँ, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? हमने आपके लिए क्या किया है? उस पहाड़ी की चोटी के पार एक शहर है, वहां जाओ। वहां एक एक्सपर्ट एमटीबी मैकेनिक रहता है, उससे मिलो, वो तुम्हारी बाइक को ठीक कर देगा। जरा रुकिए, आखिर आप हैं कौन? फिर मुलाकात होगी शो यामाटो। एक्स जोन में तो ढेर सारे राइडर्स हैं। मुझे तो अभी से लग रहा है कि हमारा सामना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ओपोनेंट से होने वाला है। मैं इसे भी एक ना एक दिन जरूर हराऊंगा।
ये तो मैंने सोच लिया है। यहाँ फ्लेम काइजर और शो पहली बार हारे थे। क्या फ्लेम काइजर वाकई वो लेजेंडरी एडाटन बाइक है जिसके बारे में एमटीबी एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है? और वो मास्ट राइडर कौन है? शो और उसके दोस्तों का ये एडवेंचर तो अभी शुरू ही हुआ है।